मेरा नाम प्रशांत विश्वनाथन है. नमस्ते. दिवाली के लिए आप सबको शुभकामनाएं. मैं आज आपको एक आईफोन 10R से फोटोग्राफी टिप्स बताने वाला हूं, जो आप दिवाली के शाम में अपने चहेते मोमेंट्स या क्षणों को कैप्चर कर सकते. मेरा पहला टिप्पणी ये होगी कि मैं तो एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं हमेशा आईफोन 10R से अभी मैं अपने फ़ोटोज़ खींचता हूँ. तो इस दिवाली मैं आपको 10R के टिप्स बताऊँगा. पहला टिप ये है कि मुझे आप दिवाली में फ़ोटोग्राफी करने के टाइम बिल्कुल सेफ़ रहिए. सब जगह दिए, अनार, सुरसरियाँ, आग रहती है और इसके कारण आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी कि आपका साड़ी या कुर्ते में आग न लगे. ये फ़ोटोग्राफी में हम खो सकते हैं और इसमें कैसे खोना है मैं आपको आगे बताऊंगा. तो मेरी दूसरी टिप नहीं होगी कि आप जब आईफोन 10R से आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप लाइट की सोर्स या रोशनी के सोर्स की तरफ अपने सब्जेक्ट को प्लेस करें. अगर सोचो कोई दिया जल रहा है तो दिया की लाइट पे आप अपना फोकस, अपना लाइट सोर्स आप दिए के यूज़ कर सकते हैं. ऐसे दिया हो या अनार हो या चक्र हो या जो भी हो, जो भी दिवाली में आज अभी या लाइटें हों जो हम लगाते हैं शाम को, इन सबको आप लाइट के सोर्स बना के सब्जेक्ट को उनकी तरफ रखें, आप एक अच्छी एक्सपोजर और स्टेबिलिटी और अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं. अगला टिप मेरा ये होगा कि स्टेबिलिटी के ऊपर, जैसे कि आजकल सारे फ़ोन में स्टेबिलिटी आती है, आईफोन 10R की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है. और अगर आप रात को शूट कर रहे हो तो आपको कैमरा स्टेबल रखना ही पड़ेगा. तो इसीलिए स्टेबिलिटी आप या तो फ़ोन में तो इनबिल्ट है ही, पर ऊपर से आप उसको कैमरा को दोनों हाथ से पकड़िए, हाथ कैमरा के सामने ना आए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए और आराम से स्टेबल, जब बच्चे या जो भी बुज़ुर्ग हैं वो जो स्टेबल होते हैं तब फ़ोटो खींचिए, तब आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्रिस्प और हाई क्वालिटी आएगी. अगला चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड. आपने देखा होगा कि DSLR फ़ोटोज़ या कोई बड़े कैमरा से जो फ़ोटो खींचते हैं तो बैकग्राउंड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो जाता है. ये कैसे होता है? इसके लिए आईफोन 10R में एक मोड है कॉल्ड पोर्ट्रेट मोड. इसकी ये दिलचस्पी है कि ये पोर्ट्रेट मोड सिर्फ ह्यूमन फॉर्म्स पे चलता है. और अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पटाखे जलाते हुए अगर आप सामने से शूट करेंगे तो आपको उनके फॉर्म्स सेलेक्ट होके बैकग्राउंड में जो है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो, कार हो या जो भी हो, वो आउट ऑफ फोकस चला जाएगा. ये आप एक बार फ़ोटो खींचने के बाद अगर एडिट पे जाओगे तो आपको वो अपर्चर का स्लाइडर मिलेगा जहाँ पे 1.4 अगर आप करोगे तो बिल्कुल आउट ऑफ फोकस जाएगा और F16 करोगे तो बिल्कुल फोकस पे आएगा. ये जो फीचर है आईफोन 10R का वो बहुत ही ब्रिलियंट है और प्लीज़ इसको इस्तेमाल कीजिए इस दिवाली और आपको आपके जो रिजल्ट होंगे बहुत ही अच्छे होंगे. अभी मैं अगली चीज़ बात करना चाहता हूँ वो है एक्सपोजर पे. अभी कैमरा इस फोटोग्राफी इज पेंटिंग विद लाइट. आप रोशनी से चित्र बनाते हो तो आपको रोशनी की तरफ बढ़ना है जब आपको फ़ोटो खींचना है. बट अब कभी कभी ऐसा होता है रात को आप देखोगे कि आपने फ़ोटो खींचा है और बहुत ग्रीन हो गए, ब्लैक ब्लैक जो स्काई होना चाहिए था वहाँ पे ब्राउन ब्राउन पैचेस आ गए. ये क्यों होता है? क्योंकि आपने एक्सपोजर सही नहीं दिया. जहाँ आपकी आपकी फ़ोटो में अगर कोई अनार जल रहा हो या चक्र जल रहा हो या दिया जल रहा हो, आपको उस पॉइंट पे अपना फिंगर ऐसे टच करना चाहिए स्क्रीन में. तो कैमरा री एक्सपोज करता है उस एक्सपोजर के लिए और उस टाइम पे आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, सो जो ब्लैक पार्ट्स होंगे, जो स्काई होगा या कोई होगा, देखना ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और आपकी ग्रेन हट जाएंगे. आपको एक्सपोजर को ध्यान दे के देने पर ही आपकी फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी दिलचस्प और DSLR लाइक क्वालिटी आएगा उस. और एक चीज़ आपने देखा होगा कि आपके इनोज ऐप में कैमरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो मोड है, एडिटिंग है आईफोन का, उसमें आपने देखा होगा कलर कॉम्बिनेशन, विविड कलर, ड्रामा, ड्रामेटिक ब्लू, बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट? वो सब ऑप्शंस आप जो फ़ोटो खींच रहे हो ना, आप ओरिजिनल में खींचिए, बेसिक फ़ोटो नॉर्मल रहे, फिर आप एडिट बटन ऑन करके अपना एडिटिंग कीजिए. थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाइए, कॉन्ट्रास्ट कम कीजिए, सैचुरेशन बढ़ाइए, कम कीजिए, कलर पॉपअप करने के लिए जो भी कीजिए, पर वो बाद में कीजिए, पहले नॉर्मल फ़ोटो बेसिक मोड में ही कीजिए. एक और चीज़ है दिवाली में, आप देखते हो स्काई बिल्कुल काला और फिर पटाखड़ी बजने लगते हैं, राइट? इसको कैसे आप कैप्चर करोगे? बहुत बार मिस हो जाता है, खींचते खींचते वो रॉकेट फूट गया और चला गया. आप जानते ही हो बर्स्ट मोड है, बस मोड आईफोन 10R में भी फीचर दिया हुआ है. टाइम लैप्स है, टाइम लैप्स में अगर आप कैमरा कहीं छोड़ दोगे विद अ गुड सपोर्ट तो वो चलता रहेगा और आपको एक टाइम लैप्स वीडियो मिलेगा बहुत सारे आतिशबाजी होते हुए.
या आप इसको टाइम करके भी शूट कर सकते हो ताकि आपको लगे कि अब फटेगा और यू नो आप उसको 10 सेकंड 2 सेकंड टाइमर लगा के शूट कर रहे हो। तो बहुत सारे वेज हैं जैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इस फ़ोन को इस दिवाली आपके दिवाली के फोटोग्राफी के। बच्चे अगर सुरसुरी घुमा रहे हो एक बहुत अच्छा वे इसको शूट करने का है वीडियो शूट करना इस स्लो मोशन वीडियो। आईफोन टेनआर में जो स्लो मोशन है वो हर आईफोन के बराबर टक्कर का और बराबर का ही है। तो आप आईफोन टेनआर में वो स्लो मोशन मोड में जब आप शूट करोगे तो आपको वो स्लो स्लो स्पार्क्स उड़ते हुए हंसी बच्चे की सब बहुत ब्यूटीफुल वे में कैप्चर हो जाता है। तो ये मेरे टिप्स हैं मेरी बहुत साल पहले मैं DSLR से शुरू करके आजकल मैं बस एक आईफोन कैमरा के साथ स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ। इसका ये भी कारण है कि आईफोन मुझे बेस्ट कलर रिजल्ट देता है, बहुत नेचुरल कलर्स, नेचुरल एक्सपोजर, बहुत ही यू नो रियल लगते हैं मुझे, और इसीलिए मैं आईफोन प्रेफर करता हूँ। और आप अगर आपको और भी कुछ कमेंट्स करने हैं और या नई टिप्पणी आप मुझे भी दे सकते हैं और मैं भी आपसे ले सकता हूँ, आपको मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरा काम भी देख सकते हैं। दिस इज़ प्रशांत साइनिंग ऑफ फॉर दिवाली। हैप्पी दिवाली।